पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम कई स्टेप्स में होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रिसर्च जो प्रॉब्लम है वो 10 स्टेप्स में है। पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हम किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इस स्टेप में, इस प्रोसेस में हम सीखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, हम किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसमें हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं, सारी वो चीज़ें कि हम रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसके पीछे का पर्पज़ क्या है। तो यही पहला पॉइंट है जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है जिसमें हम उस लिटरेचर की स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं जो भी टॉपिक या जो भी चीज़ जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर हम लिटरेचर स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि क्या पहले तो कभी उसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रखी है। क्योंकि रिसर्च हमेशा उन चीज़ों के ऊपर होती है जो कि न्यू हो, इनोवेटिव हो, मीन्स होती पुरानी चीज़ों के ऊपर ही है बट उनके ऊपर होती है जिसमें हम नया फीचर्स ऐड कर सकें, नई चीज़ें डाल सकें, नई चीज़ें उसमें सर्च कर सकें। रिसर्च का मतलब यही होता है कि सर्च अगेन एंड अगेन, एक ही चीज़ के ऊपर बार बार रिसर्च करना किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम यही होता है जिस समय ये पता चलता है कि हमारी जो रिसर्च है वो न्यू है, ऑथेंटिक है, किसी की कॉपी नहीं है, अलग नहीं है। क्योंकि केवल एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो न्यू है, अलग है, किसी की हमारी कॉपी नहीं है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथीसिस। इसमें हम वर्किंग हाइपोथीसिस जो है उसको डेवलप करते हैं, मीन्स हम इसमें डिसाइड करते हैं। हाइपोथीसिस का मतलब ये होता है या तो हमारी जो भी हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहते हैं या तो वो ट्रू होती है या फिर वो फॉल्स होती है, दोनों में से एक तो हम यहाँ पे या तो प्रूफ करेंगे या फिर किसी भी चीज़ को एग्री करेंगे या फिर डिसएग्री, जो भी है। तो वर्किंग हाइपोथीसिस का ही मतलब ये है कि आगे चल के हम जो हाइपोथीसिस टेस्ट लगाएंगे वो कौन कौन से लगाएंगे और हम इसमें यहाँ पर प्रूफ क्या करने वाले उन टेस्ट के थ्रू। उसके बाद जो स्टेप आती है वो है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, सारा एस्टीमेट लगाने, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कि हमारी जो रिसर्च है वो कितने दिन चलेगी, उसमें कितना कितनी कॉस्ट आएगी, कितना उसमें टाइम लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आती है रिसर्च डिज़ाइन में, जहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम टाइम मैंशन करते हैं, अमाउंट मैंशन करते हैं कि कितना हमारा अमाउंट जो है वो उस पर लगेगा, कितना समय लगेगा, हम डेटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे, किस वे में करेंगे, सैम्पल डिज़ाइन हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च डिज़ाइन में करते हैं जहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो स्टेप आती है वो है सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन का मतलब होता है कि हम कितने लोगों के ऊपर या किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पॉपुलेशन, किसी भी चीज़ में पॉपुलेशन का कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, आपने कोई क्रीम या पाउडर ले लिया, आप चाह रहे हैं कि कितने लोग उसे यूज़ करते कितने नहीं, तो आपको एक सैम्पल डिज़ाइन लेना पड़ेगा। क्योंकि एक पॉसिबल नहीं कि आप सबके ऊपर करेंगे रिसर्च। तो आपने मान लीजिए 200 लोग ले लिया, 300 ले लिया, तो वो हमारा हो जाता है सैम्पल डिज़ाइन, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने लोगों के ऊपर रिसर्च करेंगे, हमारा सैम्पल डिज़ाइन क्या होगा। सैम्पल डिज़ाइन के बाद आता है डेटा कलेक्शन, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने कस्टमर हैं जो उस क्रीम को या उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो अब उन सभी से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। उन सभी से हम क्या डेटा कलेक्ट करेंगे कि उन्हें वो प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई ऐसे कुछ भी चीज़, मतलब सारी क्वेरीज उनसे पूछेंगे। ऐसा तो नहीं उनको प्रोडक्ट अच्छा ना लगा, वो किसी को अच्छा लगे। तो जितने का हमने सैम्पल डिज़ाइन लिया, चाहे वो 100 लोगों का हो चाहे 200 लोगों का है, सैम्पल डिज़ाइन लेने के बाद उन्हीं लोगों का हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें हम उसके बाद जब डेटा हमारा कलेक्ट होता है तो हम उसको प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस के साथ साथ हम उस डेटा को एनालाइज भी करते हैं। पहले हम उसकी प्रोसेस करते हैं, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं उस डेटा को। डेटा एनालाइज करने के बाद जब हमारा डेटा एनालाइज होता है, फिर हम हाइपोथीसिस टेस्ट लगाते हैं। जो हाइपोथीसिस टेस्ट हम यहाँ पे डेवलप करके रखे हुए थे कि हम क्या करने वाले हैं, अब फाइनल यहाँ हम जाके हम उस टेस्ट को लगाते हैं। हाइपोथीसिस टेस्ट लगाने के बाद जो भी हमारा कंक्लूजन निकलता है, जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है, उसको हम जनरलाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते उस डेटा को कि हमारा जो आंसर आया वो ट्रू आया। हाइपोथीसिस लगाने के बाद हम रिसर्च, जिस चीज़ पर हम रिसर्च कर रहे थे, वो जिस भी प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे थे, तो वो सही है या गलत है, वो प्रूफ हुआ है या नहीं प्रूफ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जनरलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन में उस चीज़ को हम बताते हैं।
उसके बाद जो होता है वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम फाइनल थीसिस तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और उसका जो आउटपुट निकल गया है वो कैसे निकल गया है। तो इन द लास्ट हम लोग रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें मैंशन करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। तो ये थी प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। थैंक यू।